माता की गणेश पूजा आ रही है और आज हम गणेश जी के लिए भोग बनाएंगे। आप सबको तो पता होगा प्रभु गणेश को लड्डू और मोदक ज्यादा पसंद होती है, तो आज हम गणेश जी के लिए मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे, वो भी बिना कोई झंझट के और सबसे आसान तरीके से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभस्मिता और आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करती हूं। तो चलिए देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे वो साबूदाना से बनाएंगे। तो साबूदाना कैसे चाहिए हम पहले ये देखेंगे। मार्केट में हमें दो तरह के साबूदाना मिलती है, एक है ये व्हाइट वाला जिससे हम वड़ा और खिचड़ी बनाते हैं, और एक ये ट्रांसपेरेंट वाला जैसा दिखती है। आज हम ये ट्रांसपेरेंट साबूदाना से मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। साबूदाने के लड्डू बनाने के लिए पहले 250 ग्राम साबूदाना को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख लेंगे। यहाँ मैंने साबूदाना को रात भर भिगो के रख लिया था। अब हम एक छन्नी लेंगे और इसमें साबूदाना को डाल के इसका सारा पानी को निकाल लेंगे। अब हम एक पैन को गैस के ऊपर चढ़ाएंगे और इसमें एक चम्मच जितना घी डाल के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अगर आप काजू डालना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे काजू को घी में थोड़ा फ्राई करके रख लीजिए। अब हम कढ़ाई में साबूदाना को डालेंगे और इससे मीडियम आंच पर भूनेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जितना हम साबूदाना लिए थे उतना ही हमें चीनी लेना है। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हैं तो आप चीनी थोड़ा कम कर सकते हैं। अब चीनी को साबूदाने के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारा चीनी मेल्ट हो गया है, अब हम साबूदाना को थोड़ा और पकाएंगे जब तक साबूदाना चीनी को ऑब्जर्व करके एक जगह पर बन ना जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। यहाँ मैंने एक चुटकी रेड फूड कलर को पानी में थोड़ा सा मिला के डाल रही हूँ। फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए वरना आप इसे स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक चम्मच मगज के बीज को इसमें डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच घी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा साबूदाना एक जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और इससे थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और लड्डू बना लेंगे। अगर ये ठंडा होने के बाद आपको लग रहा है ये थोड़ा कड़क लग रहा है, मतलब थोड़ा टाइट हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसे थोड़ा सा और पका लीजिए और इससे लड्डू बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका लड्डू ज्यादा गीला हो गया है तो आप इससे थोड़ा सा और पका के इसे थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब हमारा सुपर टेस्टी साबूदाना के मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार है। आप इस मोतीचूर के लड्डू को इस गणेश पूजा पर बनाइए और कैसा लगा हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आज का वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी दबा दीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।